गुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अनमोल गुरबाणी विचार चैनल विच आप जी का स्वागत है। जीवन जीवन दे दो रस्ते हैं। एक रस्ता है मन का, जो मन करना चाहता है मन के पिछे लग के तुरी चलो, पर याद रखना मन उपर माया का प्रभाव हावी है। माया के प्रभाव कारण मन की सोचनी ठीक नहीं। मन सब कुछ जानता बुझदा समझता होया माया दे प्रभाव अधीन हाथ दीप कुए परे दी कार करवा दिंदा है। खूह विच डिगे बंदे नू खुशी आनंद किवें प्राप्त हो सकता है। भगत कबीर जी दा श्लोकां दी बाणी दे अंदर फुरमान है, कबीर मन जाने सब बात, जानत ही ओगन करे काहे की कुसलात। हाथ दीप कुए परे, हाथ दीप कुए परे दी कार करन वाला मनुख अपने जीवन की बाजी नूं हार के इस संसार तों पछतौंदा तुर जांदा है। भगत कबीर जी फरमान करदे हन कि वेखो, रावण नालों वध माया तां शायद किसे पास ना होवे। सारी लंका सोने दी सी, सारी उम्र ओह धन ही इकट्ठा करता रहा। अखीर मन दे पिछे लग के रावण ने साधु दा भेख बना के सीता नूं हरण दा दगा किया। अज तक लोग उस नूं मूर्ख रावण दे नाम नाल चितारदे हन। सारा सोना धन पदार्थ इत्थे ही छड़ के चला गया। एक सुई जिन्ना पदार्थ भी नाल नहीं गया, अते ना ही माया ने रावण दे कलंक नूं धोता है। ओह कलंक जद तक संसार रहना है तद तक रावण दे नाम नाल कपाली बन के चमड़िया रहना है। भगत कबीर जी दा भैरो राग अंदर फुरमान है, लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कह कबीर किश गुण विचार, चले जवारी दोए हाथ चार। संसार विच विचरदिया सत धर्म दे मार्ग उपर चलन लई उखियाई जरूर आउंदी है, पर जे मनुख सच मार्ग ते चलन लई मन विच परपक्ता बना लवे अते मन नू ओख सोख सहारन लई तैयार कर लवे, फिर परमात्मा दी शक्ति सत मार्ग दे पांधी दी अवश्य सहायता करदी है। लोकां विच वी समां पा के उस दी ईमानदारी प्रति चर्चा चल पैंदी है अते एह चर्चा अफसरां दे कन्नां तक भी पुज जांदी है, जिस करके वड्डे वड्डे अफसर भी ईमानदार किरिंदे नूं लोकां दा लहू पीण लई मजबूर करनों हट जांदे हन। साडी अज दी संत हरनाम सिंह जी दी साखी तों भी इही सेध मिलदी है। एक बड़ी ही प्यारी साखी। साखी शुरू करन तों पहले आप जी अगे बेनती है, अगर वीडियो चंगी लगे तां इस नूं लाइक अते शेयर जरूर करना। जो चैनल ते नवे हन सब्सक्राइब भी कर लेना अते बैल आइकन भी दबा लेना। अपने विचार कमेंट विच जरूर शेयर करना अते कमेंट विच वाहेगुरु जी जरूर लिखना। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सुखमनी साहब दे पाठ दी समाप्ति तो बाद हरी सिंह ने अपने नाल आए सज्जन दी जानकारी देन लई बाबा जी नूं संबोधन करदे होए कहा, इह सज्जन जिन्हां दा नाम वरियाम सिंह है मेरे मौके दे अफसर गरदावर लगे हुए हैं। यह बहुत ही ईमानदार हैं। किसी दे घरों प्रशादा छकना तो एक पासे रहा, किसी दे घरों चाह का कप भी नहीं पींदे, पीण लई पानी भी अपने घरों ही लैके आउंदे हैं। बाबा जी ने पटवारी हरी सिंह दी गल बड़े ध्यान नाल सुनी अते कुछ समा चुप रहे अते कुछ समय बाद हरी सिंह दे नाल आए व्यक्ति बारे बाबा जी कहन लगे, गरदावर साहब किसे उपर बोझ पाउण तों गुरेज ही करना चाहीदा है, पर मेरी वल्लों आप जी नूं बेनती है किसे दे घरों जे शरीर नूं लोड होवे कोई प्रेम नाल प्रशादा छकावे, प्रशादा छक लेना चाहीदा है, चाह भी पी लेनी चाहीदी है, क्योंकि चाह पीन जां प्रशादा छकन दे नाल छकाउण वाला बंदा मरदा नहीं, पर तुसीं लहू ना पिया करो, लहू पीन नाल बंदा मर जांदा है। गुरु नानक पातशाह जी का भी फरमान है, मनुख दी रत पीन नाल रत पीन वाले मनुख दा मन कदे भी पवित्र नहीं हो सकता। जिस तरह शरीर उपर पाए हुए कपड़े नूं लहू लग जावे तां ओह पलीत हो जांदा है, उस तरह जो मनुख मनुख दी रत पींदे हन भाव वड्डी लैंदे हन उन्हां दा मन कदे भी पवित्र नहीं हो सकता। जे रत लगे कपड़े जामा होए पलीत, जोरत पीवे है मानसा तिन क्यों निर्मल जीत। बाबा जी ने फरमाया, गरदावर साहब सतगुरां ने किसी का लोह लियाज नहीं किया, जो अपनी प्रारब्ध है उस उत्ते ही शक लेना चाहिए है।
अपने हक की हद तो उलंघ के जो पराए हक नू हत्यांदा है, मुसलमान वास्ते पराया हक सूर खान अते हिंदू लई गऊ खान बराबर है। पराया हक खान वाले दी गुरु पीर कदाचित भी हामी नहीं भरदे। बाबा जी दे इहे बचन सुन के गिरदावर साहब दा चेहरा कदे लाल अते कदे पीला अते कदे चिट्टा हो रहा सी। अते ओह नीवी बाई सारे बचन सुनदा रहा पर कोई उत्तर ना दिता। पटवारी हरी सिंह जो अपने नाल गिरदावर साहब नू लियाया सी, उसने भी बाबा जी नू कहा तां कुछ नहीं, पर उसका चेहरा ही दसदा सी कि बाबा जी ने साडा अपमान किया है। मैं तां अपने अफसर की सिफत की सी, पर ओह सिफत सगों साडे दोनों के अपमान का कारण बन गई है। बाबा जी ने भी उन्हां दे चेहरे नूं अते महसूस ताई नूं पढ़ लिया सी अते कहा, पटवारी साहब मेरा किसी की बेइज्जती जां निरादर करन दा मन तां बिल्कुल नहीं सी अते ना है ही, पर मैं सच कहन तो भी रह नहीं सकदा। कई बार कौड़ी दवाई छेती असर करदी है। सतगुरु साडा सारिआं दा भला करन अते सत मार्ग ते चलन दी समत बख्शन। गिरदावर साहब अते पटवारी कुछ समा तां इसे तरह बैठे रहे अते फिर बाबा जी नूं फतेह बुलाई अते वापस चले गए। पहले तां हरी सिंह दो बार बाबा जी दे बचन बिलास करन आंदा सी, पर इस हफ्ते तां ओह आया ही नहीं। अते जदों तीसरे एतवार पटवारी हरी सिंह अते गिरदावर वरियाम सिंह इकट्ठे साइकलां उत्ते दुपहर नूं बाबा जी पास रामपुर खेड़े आए अते गुरु फतेह दी सांझ करन उपरंत पटवारी ने बड़ी आजजी नाल बेनती कीती, बाबा जी गिरदावर साहब तुहाडे नाल कुछ बचन सांझे करने चाहुंदे हन। बाबा जी ने भी बड़ी खुशी प्रगट कीती अते कहा, जो बचन करना चाहुंदे हो निसंग हो के करो, झिझकण दी लोड़ नहीं। तां गिरदावर वरियाम सिंह ने बड़ी निमरता दे नाल कहा, बाबा जी असीं तुहाडे पास तीन हफ्ते पहले आए सी अते आप जी ने जो बचन कहा सी, चाह पी लिया करो पर लहू ना पिया करो। यह बचन मेरे कन्नां विच दिन रात गूंजते रहिंदे हन, सौण लग्गिआं वी प्रशादा छकण लग्गिआं वी, जदों मैं काम ते जांदा हाँ तां वी इह बोल चाह पी लिया करो पर लहू ना पिया करो कन्नां विच गूंजते ही रहिंदे हन। कई बार रात नूं नींद भी नहीं आउंदी, मेरे ते किरपा करो, मैं बड़ा परेशान हाँ। तां बाबा जी ने उसदे मोढे ते हथ लख के पिठ ते प्यार भलोसा दिता अते कहा, वरियाम सिंह जी तुहाडे कोई पुरबले चंगे कर्मां नूं फल लगा है, जिस दी बदौलत इह शब्द तुहाडे हिरदे विच घर घर गए हन। इह बोल तुहाडा जीवन बदल देणगे, तुसीं सतसंग करिया करो। बाबा जी ने अपने पासों नितनेम दा गुटका दिता अते कहा कि जे पूरा नितनेम ना कर सको तां घट्टो घट सवेरे जपजी साहिब अते शाम नूं रहला साहिब अते सौण वेले सोहिला साहिब दा पाठ जरूर करिया करो। पहलां तुहानूं ओख लगेगी, पर फिर इह पाठ तुहाडा जीवन आधार बन जाएगा अते जिवें जिवें तुसीं प्यार नाल बाणी पढ़ोगे पूरा नितनेम करन लग जावोगे सब ठीक हो जाएगा। वरियाम सिंह ने अगला प्रश्न किया, बाबा जी जो बचन तुसी कहे हन चाह पी लिया करो पर लहू ना पिया करो, असी तां लहू पीना छड़ देवांगे पर साथों उपरले अफसर साडा लहू पीनो नहीं हटदे। असी जनता दा लहू इकट्ठा करके अफसरां नूं पिला दिंदे हां, साडे हिस्से तां उहनां तों बचिआ तुपका ही पैंदा है। इह सुन बाबा जी मुस्कराए अते कहण लगे, गिरदावर साहब तुसीं बिल्कुल ठीक कहा है, जो वर्तारा हुण वरत रहा है गुरु नानक पातशाह जी दे वेले भी इस तों ज्यादा गिरावट आई हुई सी, जिस दा जिक्र सतगुरु ने मलार दी वार अंदर इन्हां शब्दां द्वारा किया है। राजे सिंह मुकद्दम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते, चाकर नहदा पाई नकाओ रतपित कुतोहो चट जाहो। बाबा जी ने कहा, कलयुग दा समा चलदा है, बहुतात विच हर मनुख जायज नजायज तरीके नाल माया इकट्ठी करन दे आहर विच लगा होया है। संसार चार दिन दी खेड है, सारी नजायज तरीके नाल इकत्तर कीती माया इस संसार विच ही विकारां नूं जन्म दिंदी है अते जदों इस संसार तों मनुखी आत्मा अगले पंध लई तुरदी है तां इकत्तर कीती होई माया होरा जिन्ना भी आत्मा दा साथ नहीं निभाउंदी अते आत्मा नूं इकल्ले ही अपने कीते कर्मां दा फल भुगतना पैंदा है। भगत कबीर जी दे शब्द अंदर भी इस असलियत नूं दर्शाया गया है
बहु पर पंच कर परतन लियावै सुत धारा पह आन लुटावै मन मेरे पूले कपट न कीजै अंत निबेरा तेरे जी पह लीजै। उस आत्मा नू लहू पीन दे हिसाब किताब चुकाउण लई अनेकां सजावां भुगतनियां पैंदियां हन। अगलेरे जन्म विच जिन्हां दा असीं लहू पीता हुंदा है फिर ओह साडा लहू पीन दा सबब बनदे हन। सतगुरु नानक देव जी ने भी सानू सचेत करन लई इस शब्द अंदर फरमान किया है, नानक आखै ले मना सुनिया सिख सही लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही। बाबा जी कहन लगे, गरदावर साहब अखीर सच ने ही साथ देना है। जे जीवन दी बाजी जितनी है तो लोकां दा लहू पीन दी थां कुछ पर उपकार दे कारज करने चाहिए हन। कुछ चंगे गुणा दा धारनी बनना चाहिए है। सच धर्म अते पर उपकार दे मार्ग ते ना चलन दे नाल हारे हुए जुआरिए वांग इस संसार विचों खाली हाथ पछतांदे हुए तुरना पवेगा। अते जेकर इस बाजी नूं जितना है गुरु दे सिख बनना है अते जे गुरु दे सके भरा बन के गुरु नाल सच्चा रिश्ता नाता बनाउणा है फिर तां गुरु हुकम विच चलन दी कुर्बानी करनी ही पैनी है। जे गुरु तों विछड़ के दुखां दीआं चोटां सहारनियां हन अते दुखां भरिया जीवन बतीत करना है ता फिर जो मन पौंदा है करी चलो, पर याद रखो मन दे निर्धारित रस्ते उपर चलन नाल कदे भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता अते पछतावे दा सल ही बल्ले पैंदा है। अते संसार विच कोई भी मनुख दुखां भरिया अते पछतावे वाला जीवन जीवन लई तैयार नहीं हुंदा। हर मनुख सुख दी लालसा रख के जीवन जीउंदा है अते सुख दी प्राप्ति लई दिन रात जतन करता है। सुख प्राप्त करन अते जीवन दी बाजी जितन लई गुरु दर्साए असूलां ते चलना ही पवेगा। बाबा जी ने अगों कहा, वरियाम सिंह जी जे अवसरां दा ढिड ना भरिया वध तो वध ओह तुहाडी बदली ही कर देणगे। नौकरी जां तुहाडी प्रालभता खो नहीं सकदे। जिथे बदली हो गई गुरु हुकम विच अपनी मर्जी रला के उस जगह अपनी किरत दी चोग चुगन दा मन बना लवो। अते जेकर तुसी मन विच असूल प्रस्ती दी दृढ़ता बना लई तां गुरु पातशाह जरूर सहायता करनगे। कई वारी इक दे पिछे अनेकां दा भला छुपिया हुंदा है जिस दा के सानू पता ही नहीं हुंदा। जे लोक परलोक सवारने हन तां तकड़े हो के लोकां दा लहू पीना छड्डो अते गुरु दी बाणी दा अमृत आप पीवो अते गुरु दी सिक्ख्या लोकां नूं वंडो। फिर लोक भी सुखी परलोक भी सुहेले हो जाणगे। सतगुरु तां चाहुंदे हन कि चंगे बंदे थां थां विचर के अपने जीवन दी सुगंधी लोकां नूं वंडन अते चंगियाई दा प्रचार करन। गरदावर वरियाम सिंह ने भी बाबा जी दे बचन सुन के सिर चुकाया अते बचन कीता कि तुसी मेरे लई गुरु चरणा विच अरदास करो। अज तो मैं चाह जरूर पी लिया करांगा पर किसे दा लहू नहीं पीवांगा। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।